नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन बैंक और आज हम यहां बिहार के मुसलमान भाइयों से जानेंगे कि मुसलमान का नेता कौन। तो आइए जानते हैं इनसे इनकी राय। मुसलमान का नेता कौन, लालू यादव, नीतीश कुमार या फिर ओवैसी? मुसलमानों का नेता तो लालू यादव है बिहार में। जितना मुसलमान लालू जी के रीजन में सेफ जोन में थे, चाहे सेफ्टी थे, चाहे अपने हक के लिए बोलते थे, लड़ते थे, वो लालू जी ने ही सिखाया मुसलमानों को बोलने के लिए। और हम लोग लालू जी से संतुष्ट भी हैं, जो लालू जी मुसलमानों के लिए हर कुछ किए हैं। हम विकास के नेता चाहते हैं, लालू भैया, नीतीश या मोदी, हम विकास के नेता चाहते हैं। तो क्या लगता है कौन हो सकता है विकास का नेता? अभी तो कुछ नहीं कह सकते, जब जनता निर्णय करे तभी उसका चाहता है। नहीं तो ऐसे कोई नहीं, सरकार कोई बढ़िया नहीं है, नहीं लालू बढ़िया, ना नीतीश बढ़िया, ना मोदी बढ़िया, सब अपना अपना जनता बढ़िया। मुसलमानों के हित में तभी ओवैसी कर रहे। अच्छा, वो तो जी तो आप मानते हैं मुसलमानों का नेता ओवैसी है? जी, ओवैसी रहना चाहिए। चलिए, मुसलमानों का नेता फिलहाल कोई नहीं है। कोई नहीं है, आई हैव नो कॉमेंट्स। मुसलमान अभी तक अपना नेता तलाश रहा है जी, और मुसलमान का रहनुमा कोई नहीं है, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हों या नीतीश कुमार हों या कांग्रेस पार्टी। क्या मुसलमानों ने देश के लिए कुछ नहीं किया है? मुसलमानों के साथ आज जो ये सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, कोई गाय के नाम पे मार दिया जा रहा है, कहीं नाम पूछ के मार दिया जा रहा है। नीतीश कुमार क्यों? इस बेस्ट कैंडिडेट है वो, ठीक है ना, और काम के मामले में उससे बढ़िया कैंडिडेट मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में। तो मुख्यमंत्री है, बहुत अच्छा काम करता है वो, उसको जाति पाति से कोई मतलब नहीं है। उसके लिए सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं, हिंदू मुस्लिम सबके लिए वो कैंडिडेट बेस्ट है। वो काम करने में अपना मतलब रखते हैं, वो जाति पाति पे विश्वास नहीं रखते। क्या कहिएगा? नहीं, हम कहेंगे नीतीश कुमार पलटू नेता है, वोट किसी और से लेते हैं, चले जाते हैं बीजेपी में। ऐसे दोगलों नेताओं की जरूरत नहीं है। लालू थे, वो पलटू नहीं थे, ये साले पलटू हैं। लेते हैं बीजेपी से भाग के जाते हैं नीतीश लालू में, लालू से भाग के जाते हैं बीजेपी में। कि हमारे नेता सब ही अच्छे हैं जी, लेकिन अभी के डेट में तो अभी नीतीश बाबू ही अच्छे हैं जी, जो विकास के काम में सबसे आगे बढ़ते गई है और आगे बढ़ने का शंका भी है। लालू जी। अच्छा, क्यों लालू जी लगे आपको? अच्छा कार्यक्रम है जी। मुसलमानों के लिए आप लोग के लिए क्या हुआ? बहुत अच्छा हुआ। हुआ नीतीश कुमार क्या नहीं? नीतीश कुमार अच्छा नहीं है। नहीं अच्छा, आप मानते हैं कि मुसलमान को नेता लालू यादव? लालू यादव क्या कहना है आपका? लालू यादव है गरीब के नेता, जितने गरीब लोग है सबको राहत देता है, मुसलमान को भी राहत देता, जितने मुसलमान भाई के सबको राहत देता। नीतीश कुमार कभी गरीब को देखवे नहीं किया, कहाँ है ना है, कैसा हाल में है नहीं है। हम लोगों के अमीर जो है हमारा श्रेय के जो है रहमानी साहब हैं, वो हम लोगों के अमीर हैं और वही उन्हीं के गाइडेंस में हम लोग चलेंगे। ये पॉलिटिशियन के चक्कर में हम लोग नहीं चलेंगे जी। सबसे पहली बात ये है कि वो अमीर शरीयत जो कहेंगे जिस तरह से करेंगे उन्हीं के हिसाब से हम लोग चलेंगे। पर कुछ लोग मान रहे हैं कि लालू यादव का जब राज था तो मुसलमान ज़्यादा सेफ थे, ज़्यादा सुरक्षित थे। ऐसा नहीं है, सेफ तो खैर अल्लाह के मर्जी से होता है आदमी, और किसी के भी राज में सेफ नहीं होता है सिवाय अल्लाह के। अल्लाह की मर्जी से ही कोई चल सकता है। मालिक जो चाहेगा वही होगा, अल्लाह जो चाहेंगे वही होगा। ये सब जो है ना दिखावा है, छलावा है, और देखने के लिए बस दिखावा है। बाकी जितने भी हैं, ये जरूर है कि लालू जी के ज़माने में इस तरह की बातें नहीं हुआ करती थी। जो आजकल के ज़माने में अभी हो रहा, जो एनडीए सरकार करा रही है वो हो रहा है, उनके ज़माने में इस तरह का नहीं था। मुसलमानों के नेता हर नेता बनता है, मगर मुसलमानों के नेता बनता है, मगर मुसलमानों की बलगलाकर कोई भी नेता आता है तो मुसलमानों को सिर्फ बढ़ावा देता है, समझे। हम लोग मुसलमानों के नेता हम लोग का सब है, ऐसी नहीं, हम लोग मुसलमानों के नेता हम सबके मंजिंदा मानते हैं, मगर यहाँ राजनीति में जो बात चला देता है इसकी हम लोग खिलाफ हैं। राजनीति नेता में नहीं होना चाहिए। ईश्वर ने कहा, खुदा ने कहा कि तुम जिस रूप में पुकारूंगा मैं वही रूप में पहुंचूंगा। खुदा एक है। लोग कहते हैं कि भगवान का नाम अनेक नहीं, भक्त अनेक है, खुदा एक है, समझे। मगर राजनीति बनाने वाले दो बना देता है, एक गलत है। मैं तो नीतीश कुमार का ही नाम दूंगा। अच्छा, क्यों नीतीश कुमार आपको लगते हैं कि वो मुसलमानों का नेता है? कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ये देख रहा है कि मुस्लिम वोटर्स भी है इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में,
वो जब तक मुस्लिम को सपोर्ट नहीं करते कोई भी नेता चुनेगा नहीं। इस बार जो बीजेपी की सरकार आई कहीं ना कहीं मुस्लिम का सपोर्ट है। अब मुस्लिम को ऐसा नहीं चाहिए कि बस मुस्लिम के बारे में बात करें, उसके साथ आकर इफ्तारी करें और बाद में उसके लिए कोई काम नहीं करें, तो ऐसे नेता की हमें ज़रूरत नहीं है। बस आप देख लीजिए, अगर कोई स्कूल बनाता है या फिर कोई यूनिवर्सिटी बनाता है तो वहाँ सब पढ़ते हैं, बस मुसलमान नहीं पढ़ता, सब पढ़ते हैं। तो वैसे ही अब नेता चाहिए हम लोग को जो कि डेवलपमेंट करें। मुसलमानों का आज़ादी से पहले से आज़ादी के बाद भी कोई नेता न पैदा हुआ है न होगा, इस धरती पर अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ है। बस इतना ही है कि सब लोग अपना उल्लू सीधा करता है। आपके बारे में थोड़ा हम तारीफ कर दें, थोड़ा आप खुश हो जाइए, हम उसके बारे में दूसरा तारीफ कर दिया, बस ऐसा ही देश चलेगा, किसी का कोई नेता नहीं होगा। देखिए, मुसलमान का नेता तो कोई भी हो सकता है, बशर्ते उसका नीयत ठीक होना चाहिए। लालू यादव हो या मोदी जी हो या कोई भी हो, देखिए अभी फिलहाल जो एक माहौल बना हुआ है, मुस्लिम हो या हिंदू हो जो भी है, तो उस तरह का माहौल बनाने में कुछ तो सरकार का योगदान है। तो देखा आपने, ये थे बिहार के मुसलमान भाइयों का राय कि मुसलमान का नेता कौन। हमारे चैनल को आगे देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल पब्लिक रिएक्शन बैंक को। धन्यवाद।